इसे 2007 का एक मॉडल आया हुआ है। इस मॉडल 2007 है, 2007 का मॉडल। अच्छा, इसमें क्या काम है? पेंट पेंट का काम है और भट्टी कलर होगा ये अंदर पार्ट से। इसमें लाइटें चेंज होगी, जाली चेंज होगी, बम्पर चेंज होगा। इसका जो ऊपर का रूप छत भी बनेगा और जो लाइटें पुराने मॉडल की है हाँ इसमें लगाएंगे नए मॉडल की। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक गाड़ी आई थी कल्टस, डेंट और पेंट का काम इसका कम्प्लीट हो चुका है। पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी में कन्वर्ट की है, यानी कि 2011 की हेडलाइट वगैरह फ्रंट वगैरह सारा इसका तैयार कर दिया है। 2005 को हमने 2011 में कन्वर्ट किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो भाई आज हमारे पास कौन सी गाड़ी आई है बताओ अकाश भाई? कल्टस आई है। हाँ, मॉडल 2007 है, 2007 का मॉडल। अच्छा, इसमें क्या काम है बताओ? इसमें डेंट पेंट का काम है और भट्टी कलर होगा ये अंदर पार्ट से, इसको कलर करना है। डेंट पेंट का काम है। वैसे इस गाड़ी में इतना कोई खास काम नहीं था, लेकिन गाड़ी वाले की ख्वाहिश है कि वो आप इसको गाड़ी को बिल्कुल न्यू जीरो मीटर बना कर दें। और ये देखें, इसकी यहाँ पर छत रस्ट खा गई, ये मार खा गल गई यहाँ से, ये बनाएंगे इसको। इसका छत, इसका जो ऊपर का रूफ भी बनेगा, छत भी बनेगा और इसका छत भी बनेगा। इसका जो लाइटें पुराने मॉडल की हैं हाँ इसमें लगाएंगे नए मॉडल की। अच्छा, लाइटें भी इसके हेडलाइट गाड़ी की खड़ी है हमारे पास, इसमें लगाइए पुराने मॉडल की एक गाड़ी की, इसको भी नया मॉडल बना दिए, कलर होकर आ गई है। अच्छा, ये गाड़ी आपने बनाई थी नहीं, पुरानी गाड़ी को नई गाड़ी में कन्वर्ट की है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एक गाड़ी आई थी कल्टस, डेंट और पेंट का काम इसका कंप्लीट हो चुका है। तो ये मॉडल कौन सा था? ये 2005, ये 2005 का मॉडल था। और इसको किस में कन्वर्ट किया है? 2011 में इसको कन्वर्ट किया है, यानी कि 2011 की हेडलाइट वगैरह फ्रंट वगैरह सारा इसका तैयार कर दिया है। अब इसकी लाइटें चेंज होंगी, यानी अभी हेडलाइट चेंज होना बाकी है, अभी डेंट और पेंट का काम इसका कम्प्लीट हो गया है, हैं हर चीज़ रेडी हो गई है। और बाकी हमारे पास ये 2007 का एक मॉडल आया हुआ है, इसका जो है अब वकास भाई जो है क्या करेंगे इसमें? इसमें लाइटें चेंज होगी, जाली चेंज होगी, बम्पर चेंज होगा, तो और सामान चेंज होगा। चेंज होने के बाद ये फिर 2011 के मॉडल 11 के बाद कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद इसमें क्या मतलब पूरे पूरी गाड़ी को स्क्रैच करेंगे आप लोग? पूरा जहाँ जहाँ उसको जरूरत है वहाँ पूरा डेंट निकालेंगे, वहाँ पर सब इसका काम होगा जी। डेंटिंग का होगा, उसके बाद इसका ग्राउंड का काम शुरू। ये गाड़ी आप देख रहे हैं 2000, ये गाड़ी जो है 2007 का मॉडल है। इसका थोड़ा सा फर्श वगैरह जो है साइड इसकी जो है गल गई है। आप इसको जो है गाड़ी आई है इसको बना रहे हैं और इसके जो है पूरे कलर को जो स्क्रैच करके फिर इसको बिल्कुल नए सिरे से बनाएंगे, भट्टी कलर करेंगे जी, भट्टी कलर। आज जरा इसका डिग्गी खोलना, जरा डिग्गी खोल के दिखाना। ये इसकी डिग्गी है और इसमें अभी जो है सामान वगैरह लगा हुआ है। अभी इंटीरियर काम भी होगा इसका पूरा, इंटीरियर भी काम होगा इसका, सीटें बनेंगी, इसके गद्दे बनेंगे, इसका डैशबोर्ड का भी कुछ काम होगा, डैशबोर्ड का भी काम होगा। बिल्कुल नई गाड़ी, नई गाड़ी हो जाएगी। मतलब अभी ये गाड़ी जो है आप बिल्कुल इसको स्क्रैच करेंगे? बिल्कुल स्क्रैच होगी, इसका कलर उतरेगा पुराने वाला। अच्छा, पूरा कलर उतर जाएगा, पुराना कलर उतर जाएगा, उसके बाद नया इसका हम अपने नए तरीके से इसका काम शुरू करेंगे। नए तरीके से पूरा काम शुरू करोगे इसका? और कितने दिन का टाइम दिया पार्टी को? हमने इसको 20 दिन का टाइम दिया, 20 दिन का टाइम दिया है। तो ये गाड़ी आपके सामने है, 2007 मॉडल है। इसके बाद जो है EFI मॉडल आया था, तो इसका जो है काम आया है, इसको जो है बिल्कुल अभी स्क्रैच करेंगे। स्क्रैच करने का जो जगह जगह डेंट पड़ा हुआ है आपको नजर आ रहा होगा, ये डेंट, इसकी फुटपाथ भी, फुटपाथ वगैरह सारी चेंज होंगे। चेंज होने के बाद जो है फिर ये गाड़ी जैसे आपके सामने जो खड़ी है कल्टस, ये भी हमने अभी बनाई है बिल्कुल। ये 2000 कौन सा मॉडल था वो? 2005 को हमने 2000 जो है 11 में कन्वर्ट किया है। टेंट का काम, पेंट का काम मुकम्मल हो गया। अब छोटे मोटे काम है जो इसका हेडलाइट वगैरह जो बनेंगे वो चेंज होंगे, ठीक है। चलो, और कुछ? और बस, चलो अभी काम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। Thank you.